मैंने ना टीमो से काफी प्रोडक्ट्स मंगाए थे और मुझे काफी अच्छे भी लगे ये प्रोडक्ट्स, तो मैंने सोचा मैं इसकी अनबॉक्सिंग ना आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या पता आपके भी काम की चीज निकले। और कई बार क्या होता है अनबॉक्सिंग की चीजें या ऐसी चीजें देख के ना हमें भी आइडिया हो जाता है बहुत सारी चीजों का। मैंने भी दूसरों से देख कर ही ऐसे आइडिया लगाया है, तो मेरे को लगा मैं भी बता देती हूँ। तो मैं वैसे ना मैंने ये, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बॉक्स में आया था, तो मैंने ना इसको ओपन कर दिया है, वैसे ओपन नहीं करा बट बॉक्स खोल दिया ताकि मैं उसको आराम से रख सकूं। तो जो इन सारे प्रोडक्ट्स की मेरी सबसे फेवरेट चीज है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मेरा दिल खुश हो गया इसको देख के, लेकिन ये इतना भारी है ना कि मैं इसको पता नहीं कैसे यूज करूंगी, मुझे नहीं पता। तो मैंने ना एक ये, वो मेरे से ना निकल के गिरा है, ये इतना ये पॉट ऑर्डर करा था। इट्स अ ब्यूटीफुल पॉट यार, देखो कितना सुंदर पॉट है। और इसके साथ ना इसका ये फ्लोर पे रखने के लिए यूज होता है ना, आई डोंट नो मैं इसका नाम भूल गई, फ्लोर पे रखने के लिए है एक ये, मुझे इसको क्या बोलते हैं, सॉरी हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, इसको किस लिए यूज करेंगे मेरे को तो पता नहीं, बट ये ऐसे कुछ है। और ये दो है, हम ऐसे हाथ, अच्छा हम शायद ऐसे हाथ करके पकड़ सकते हैं, बिकॉज शायद ये गर्म होते हैं ना इस वजह से। और इस पे कितना सुंदर ब्यूटीफुल डिजाइन और रखा है ये, इस तरीके से, मतलब इतना सुंदर पॉट है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं आप शायद आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही कि कितना भारी है, आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट, इतना ज्यादा भारी है ये पॉट। लेकिन कुछ चीजें बनाने की बहुत सही रहेगी, जैसे मैं बिरयानी बहुत बनाती हूँ, उसके लिए दिस इज दी परफेक्ट। सूप बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, या कोई चीज मुझे दम देनी है उसके लिए भी बहुत सारा, बहुत अच्छी चीज है ये, पर बहुत भारी है, बट ब्यूटीफुल कलर। ये इस टाइप की ना ट्रे है, जो बेसिकली आप डिटैच हो जाती है, और आप तो आसान तरीके से इसको, मैंने तो फ्रिज के लिए भी मंगाई है, बट आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके की एक है बकेट काइंड ऑफ, और ये फ्रिज में इस तरीके से लग जाएगी। और ये देखिए, ये ना बड़ी भी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है, और इसके अंदर आप कोई भी चीज रख के और उसमें स्टोर कर सकते हैं इजीली। मतलब आपको अगर जगह बचानी है उसके लिए, और मुझे काफी अच्छी लगी ये चीज, मतलब आप अदरक रख सकते हैं, वैसी चीजें जो आपको लगता है ना, अगर आपके फ्रिज में जगह कम है तो उसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। देन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, देखिए दिस इज द टिफिन बॉक्स सेट, और मैंने ना ऐसे ही कलरफुल मंगाए थे, इसमें पांच अलग अलग कलर्स हैं। देखिए दिस इज लाइट ग्रीन, दिस इज पिंक, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, एंड दिस इज ऑरेंज, एंड दिस इज नॉट द ओनली वन, इसके अंदर एक छोटू वाला भी है, तो हम इसको स्टोरेज के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, खाना टिफिन ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे भी मुझे ना कलरफुल चीजें बहुत अच्छी लगती है अपने फ्रिज में, अपने किचन में, तो दिस इज दी प्रोडक्ट, मुझे काफी अच्छा लगा। हम इसे स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिस्किट्स रख सकते हैं, टफ टिफिन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अब ये माइक्रोवेव यूज है या नहीं है ये मैं चेक करना भूल गई, अभी मैं बिल्कुल करूंगी। और अगर ये माइक्रोवेव यूज होते हैं तो मेरे हस्बैंड के टिफिन के लिए भी काम आ सकता है। एंड सी लुक एट द ब्यूटीफुल कलर, चीजें ना क्वालिटी काफी अच्छी है इनकी। उसके बाद आते हैं हम, एंड ये भी बहुत यूजफुल चीज है, एक ही बॉक्स का, एक ही छोटे तरीके से कंटेनर्स हैं। ये कंटेनर्स यार मेरे लिए तो बड़े यूजफुल है, पहली बार तो इसकी ना वुड की लिड लगी हुई है, तो ना जंग नहीं लगता, अदरवाइज अगर लोहे की होगी या उसकी होगी ना, तो मेरे कई सारे ऐसे ढक्कन थे जिनमें जंग लग गए थे, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। और फिर ये ना वुड का काम आता है, वुड वाली काम आती है, तो मुझे, मैं क्या करती हूँ, सारे मसालों को एक बड़े बॉक्स में डाल के रखती हूँ, और बड़े बॉक्स के बाद उनको जो मेरे डेली यूज वाले होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डे रूटीन में चाहिए होती है, तो मेरे जो बिल्कुल
मेरे जो गैस के बगल में जो मेरा लॉकर है ना, आई मीन सॉरी ड्रॉर है ना, उसके अंदर मैंने सारे इस तरीके के डब्बे रखे हुए, मैं आपको दिखा सकती हूँ उस तरीके से। तो मैंने ये ऑर्डर करा था और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये 16 का सेट है, वैसे तो मैंने अमेजोन से ऑलरेडी ऑर्डर करे हुए हैं, लेकिन देखिए इसके साथ ये स्टिकर्स भी आते हैं जिसमें आप नेम लिख के उसमें डाल सकते हो, बहुत कन्वीनियंट होते हैं इस तरीके से। मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये देखिए मैं पहले से ही इस टाइप के ये यूज कर रही थी और इसमें मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, बड़ी इलायची, जीरा, क्योंकि मेरे ड्रॉअर में ये खुलता है, मुझे ऊपर दिखता है तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे लिखते तो आप इसका नेम प्लेट यहाँ लगा सकते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट होते हैं और मतलब नो डाउट बहुत प्रिटी भी लगते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छे लगते हैं। और एक ये मैंने एयर फ्रायर ऑर्डर करा है प्याज का। मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि कोई भी चीज़ ना बनाने से पहले पूछते हैं कि आप मुझे फ्राई कुछ देने वाले तो नहीं हो। तो अगर इफ ही रियली वॉन्ट्स टू रिड्यूस हिज वेट तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। और तो मैंने फिर ये एयर फ्रायर मंगाया है और मुझे नहीं पता अभी इसका एक्सपीरियंस, बट मैं इसको यूज़ करने के बाद ज़रूर बताऊंगी। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला, वैसे भी टीमो में बहुत अच्छे प्राइजेस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। टीमो यूएसए की बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ से लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें तो हम बहुत इजीली खरीद सकते हैं। बाकी मुझे पॉट तो बहुत सुंदर लगा, ये कंटेनर्स भी बहुत अच्छे लगे, बाकी सारी चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सब कुछ एयर फ्रायर के लिए अभी मैंने चेक नहीं किया, आई एम श्योर उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, तो मैं आपको लोगों को ज़रूर पता करके, मतलब यूज़ करके सॉरी बताऊंगी। एयर फ्रायर का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। बाकी के सारे प्रोडक्ट्स तो मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे लगे और मैं आपको अपने आगे की वीडियोस में मैं उनको कैसे यूज़ कर रही हूँ ये भी ज़रूर डिस्कस करूंगी आपके साथ।